देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जो है गलत हो चुका है, तो काफी बच्चा टेंशन में आ चुका है। और देखिए बी का यार टेम्पो है और इस पे बैठेगा लोग। देखिए बैठने के लिए कैसे मार कर रहा है, देखिए देखिए मतलब देखिए देखिए। हे बाबू ये बरियाती बजा रहा का? नहीं नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज है ना पास में ही, एकदम इस तरफ रेलवे ट्रैक के। हमारा दोस्त लोग को देखिए कितना सीरियस होकर पढ़ रहा है। तो अब समय आ चुका है एग्ज़ाम देने का और टाइम हो चुका है, और यू नो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है ना दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। और आप ये देख सकते हैं व्यू पूरा खुश है, और इधर टेंशन पास में ही है तो वो जा रहे हैं। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ विद्यासागर, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और पीछे में आप देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग आ गए हैं, और आज हम लोग का लास्ट एग्ज़ाम है। आपने देखा होगा कि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज लास्ट एग्ज़ाम है, और जो आज एग्ज़ाम है वो है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का। तो चलिए देखते हैं कैसा एग्ज़ाम जाता है, और मिलते हैं कॉलेज में। अभी ऑटो पकड़ कर हम लोग जाएंगे और ऑटो वाले आ रहे हैं। ये देखिए ये टेम्पो है और इस पे बैठेगा लोग। देखिए बैठने के लिए कैसे मार कर रहा है, देखिए देखिए मतलब देखिए देखिए ना का यार बरियाती में जाना है का? ए बाबू ये बरियाती में जाना है का? नहीं नहीं, तो एग्जाम देने कहाँ जा रहा है यार? बख्तियारपुर। अच्छा, हम लोग का सेंटर तो बख्तियारपुर है ना। और राजा बाबू आ चुके हैं यहाँ पर। मैं तो आईएएस कोर्ट ले आ रहा हूँ। क्या यार क्या लेकर जा रहा है? आईएएस कोर्ट लेके जा रहे हैं। अब यार क्या लेकर जा रहा है यार? ट्रांसपोर्टेशन का वो है। ऑटो आ चुका है, अब ऑटो में बैठते हैं। और हमारा जो सेंटर है वो बख्तियारपुर है, तो बख्तियारपुर जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जाते हैं हम लोग और वहाँ का क्या सीन है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, और मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ बख्तियारपुर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर। देखिए हावड़ा पुल से नीचे चल रहे हैं हम लोग। देखिए वो टनल को पास करके यू नो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाया जाता है, और ये काफ़ी बिजी रेलवे ट्रैक है। तो अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है। तो ये देखिए ये आपका कॉलेज है, ये आपका साइड व्यू है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन आ रही है काफ़ी तेज़ी से। और आप देखिए कितनी लंबी ट्रेन है एकदम। तो अभी ये ट्रेन जो है बख्तियारपुर स्टेशन से चल कर आ रही है, और इधर पटना की ओर जा रही है। यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना पास में ही है, एकदम इस तरफ रेलवे ट्रैक के, और जो बाईपास है वो पीछे है हाईवे, यहाँ से 400-300 मीटर दूर। तो अभी हम कुछ देर में जाएंगे अंदर और एग्ज़ाम देकर फिर आएंगे, फिर देखते हैं आज एग्ज़ाम कैसा जाता है। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा कुछ देर बाद जब हम जाएंगे उस तरफ। तब तक आप बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, अभी हमारा दोस्त आया शुभम शंकर, यहाँ पर हम लोग बैठ कर पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीछे में अभी लैंड को मेजरमेंट किया जा रहा है, शायद यहाँ पर घर बनेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल हवा चल रहा है ना, तो लग रहा है जैसे इसके सामने मतलब कूलर एसी सब फेल है। हमारा दोस्त लोग को देखिए कितना सीरियस होकर पढ़ रहा है, मुड़े से चुका हुआ के पीछे। समय आ चुका है एग्ज़ाम देने का और टाइम हो चुका है, और यू नो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है ना दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। और मैं भी पढ़ रहा था तो देखते थे माथा ख़राब हो गया, क्योंकि लग रहा था जैसे कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, पहले तो बहुत पढ़ा,
लेकिन अभी देख कर लग रहा है कि कुछ पढ़ाई नहीं है, मतलब सारे फॉर्मूला लग रहा है सब मिसमैच हो गए। तो देखते हैं क्या होता है अंदर और कैसा एग्ज़ाम जाता है और फिर मूड कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कॉलेज। तो कॉलेज जस्ट अभी यहीं पर है, मैं कॉलेज की तरफ से चल रहा हूँ आप लोगों को, तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। यहाँ पे देखिए एक ट्रेन का बच्चा आ रहा है। तो क्या ही कहें, जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं कॉलेज के, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है और ये हर एक दिन हुआ है जब जब एग्ज़ाम देने आए हैं। और यही टनल है नीचे से अंडरग्राउंड पास बना हुआ जाने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो लड़का लोग सेटिंग कर रहा है। और देखिए सब सेटिंग कर रहा है और ये रहा अपना कॉलेज आपका। और रेलवे ट्रैक वहाँ पीपल का पेड़ था, वहाँ पे बैठे हुए थे हम। प्रीतम चलो जी, मुन्ना भाई चलो, इट्स टाइम टू गो, लेट्स गो। ये देखिए आपका ये कॉलेज है बख्तियारपुर कॉलेज और ये इस तरफ गांव है बस हुआ। और यहाँ कुछ ज़्यादा फंक्शन है नहीं। और देखिए सामने से लौंडा सवार रहा है, अपना ही दोस्त है सब। देखिए देखिए आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का मेन गेट है, ये एंट्री द्वार है ये। ये देखिए ये आपका ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक, एडमिन वर्क्स ब्लॉक सब इसी में है। देख पा रहे होंगे आप। और ये देखिए यहाँ से रेलवे जो है ना ये बिजी लाइन एकदम पास करती रहती है। और यहाँ पर देखिए हम लोग को बैग रखना होगा और अंदर जाना होगा। तो अभी एग्ज़ाम देकर आते हैं और मिलते हैं 3 घंटे बाद, देखते हैं कैसा एग्ज़ाम जाता है, कैसा कुछ होता है। तो आप बनिएगा हमारे साथ। सुनील कहाँ गया रे? और ये देखिए नीलेश एग्जाम हॉल से निकल चुका है और ये दोस्त लोग आ रहे हैं। तो नीलेश कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। और ये देखिए ये शक्ति पासवान जो कभी क्लास नहीं करता है लेकिन एग्जाम में आता है। तो एग्जाम जो है वो हो चुका है और देखिए हमारा दोस्त एकदम वेट कर रहा है। सभी से इंतजार कर रहा है हमारा दोस्त। चलो तो चलिए चलते हैं। एग्जाम जो है वो अच्छा हुआ है और कुल मिलाकर मतलब कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। और ये देखिए मेरे पीछे यही है कॉलेज बख्तियारपुर कॉलेज। अरे तो ये देखिए ये कॉलेज है आपको, ठीक है मैं दिखाता हूँ। देखिए अभी उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, इसमें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। ये देखिए ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बगल में ही ये बना हुआ है। बच्चा सब काफ़ी खुश हो रहा है एग्ज़ाम देने के बाद। और देखिए सब कितना खुश हो रहा है। चलिए मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ, अंदर कैसा सीमित हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं व्यू, ये ऐसा व्यू है। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं इसमें, ये अच्छा है, इसमें बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाएंगे। और भी ऐसा ऐसा बहुत सारा बनाया हुआ है, आप देखिए बीच में ये आंगन है, ये बीच का सीन है आपका। और ये मैं देखिए
कितना अच्छा नज़ारा है, मतलब आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है इसका, कितना अच्छा खुला बनाया गया चारों तरफ से, ताकि यू नो हर एक क्लास में सनलाइट जाए। ये अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, दोस्त लोग वेट कर रहा है बाहर। क्लासेस रूम में तो लॉक लग चुका है, नहीं तो वहाँ भी दिखा देता। यहाँ पर आप देखिए लिफ्ट भी लगा हुआ है, आप लिफ्ट से ऊपर नीचे जा सकते हैं। और पीछे में नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगता होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की जो सीट है वो 60 है, मतलब 60 चार ब्रांच है यहाँ पर, मतलब वो दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बक्सर का और भोजपुर का दोनों का जो क्लास है यहीं पर चलता है। तो चलिए चलते हैं। हमारा दोस्त लोग काफ़ी से बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कर रहा वीडियो बनाने में बिजी है। काफ़ी मज़ा आया यहाँ आकर और काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, ये एग्ज़ाम याद रहेगा। चलो चले, चलो हमारा भाई का कॉपी छीन लिया। चलिए चलते हैं, अब इस कॉलेज को बाय बाय कहेंगे अब हम। बाय बाय। और ये मेन गेट था आपका कॉलेज का, और हम क्या ही कह सकते हैं। तो शुभम, तुम्हें आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और कॉलेज का व्यवस्था कैसा लगा, मतलब क्या क्या कहना चाहोगे इस कॉलेज के बारे में? कॉलेज के बारे में कहेंगे कि कॉलेज अच्छा है। हाँ, और यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन रखा जाता है। हाँ हाँ, बहुत ही डिसिप्लिन टीचर है। एग्जाम में तो सब हमेशा चुतिया, एग्जाम में तो सब डिसिप्लिन। जैसे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जो है गलत हो चुका है, तो काफी बच्चा टेंशन में आ चुका है। और देखिए बी का यार, देखिए डी डी करते हुए चलता रहा है, मतलब अभी भी इसको टेंशन, एग्जाम खत्म हो गया जाने तो यार, एक दो नंबर तीन को चार को सही है हुआ ले, इसका तीन को चार को सही हुआ लगता है बेचारा को। फिर आएगा अगला बार बदला ले लेना। आइए चलते हैं ऊपर रेलवे ट्रैक पे। और यहाँ पर देखिए हमारे कुछ दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे बुला रहे हैं, पर मुझे जल्दी जाना है और ये लोग बख्तियारपुर जाएंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, और बच्चों को देखिए कैसे एकदम पूरा खुश है। और इधर पास में ही है तो वो जा रहे हैं, तो भी उड़िया दिया यार। कुछ बच्चे जो है स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बख्तियारपुर स्टेशन जो है पास में है, और हम लोग गाड़ी से जाएंगे क्योंकि हाईवे से हम लोग आए हैं। तो चलिए चलते हैं, हम जा रहे हैं हाईवे पे, और इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर को हम बाय बाय कहेंगे। और हमारे पीछे कुछ दोस्त लोग हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी है वो पीछे हाईवे पे चली गई है, तो हम लोगों को बाय फुट यू नो खुद के पैर से पांव गाड़ी से जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं हाईवे पे, और फिर हाँ हाँ अवश्य अवश्य चलिए, मोबाइल पे बैठ जाइए। अरे भाई, तो चलिए ये देखिए काफ़ी हैवी स्लोप है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लोपी है, ये काफ़ी तेज हवा चल रहा है यहाँ पर, एकदम ठंडा ठंडा। और हमारा दोस्त लोग देखिए एकदम कैसे एकदम मस्ती से आ रहा है। कहाँ जाता रहा, बरियाती में? देखिए वही चुतिया सब है जो टेम्पू लेके भाग आया। देखिए अभी चलते हैं उस तरफ, और यहाँ पे देखिए बस आ रही है, ये काफ़ी चल पास करो, ए रुक भाई। और यही है टेम्पू, इसमें बैठना है। और इधर में देखिए एकदम क्या सीन है, एकदम पूरा इधर खेती होता है। और ये रहा आपका कॉलेज, कॉलेज को आखिरी बार हम देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस कॉलेज को ना देखें। काफ़ी सख्त एग्ज़ाम लिया जाता है यहाँ पर, जो नहीं पढ़ते उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है।